हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल। तो दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम कि मैं यहाँ पे हैदराबाद आई हूँ। मैं प्रॉपरली शिफ्ट हो चुकी हूँ हैदराबाद में, और अभी हम आए हुए हैं, यू कैन सी वी आर इन और इन ऑर्बिट मॉल। सो अभी हम चल रहे हैं और लेट्स सी कि हम क्या शॉप आउट करते हैं। दानिश से हाय। तो गाइस अभी हो रहा है 5 बजने आ रहे हैं और अभी भी हम इन ऑर्बिट मॉल में घूम रहे हैं। तो अभी हम शॉपर स्टॉप में हैं, लेकिन कुछ आए थे इरादे से कि जैकेट लेंगे जीन्स की मेरे लिए, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कहाँ, यहाँ पे इधर नहीं है ना, उधर क्यों जाएंगे फिर, वो तो जेंट्स का सेक्शन है। क्या दानिश, हमने हमें कहाँ जाना है? ट्रेन में। क्यों, हम ट्रेन में क्यों बैठेंगे? बैठे हैं बाबू। बाबू नहीं है, आप तो दानिश हो। दानिश बैठो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इतने सारे लिक्विड प्लस मैट लिपस्टिक मैंने यहाँ पे ट्राई आउट किया है हाथ पे, तो मुझे यहाँ पे 2 कलर्स पसंद आए थे। एंड दिस इज फ्रॉम चैम्बर। सो नाउ फ्रेंड्स, एक कॉस्मेटिक मैंने लिया हुआ है एंड अभी हम जा रहे हैं ऊपर, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे लेडीज़ का सेक्शन है पूरा, सो लेट्स सी कि वहाँ पे डेनिम जैकेट मिल जाए। एक्सक्यूज़ मी भैया, लेडीज़ की डेनिम जैकेट्स कहाँ पे? डेनिम जैकेट्स मैम वाइट में है, या फिर इससे और एक आपने छोटा भी दिखाया था ना, शॉर्ट, और उसकी साइज क्या है? ये स्मॉल साइज है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं फूड कोर्ट की तरफ। अभी हम लोग ऑर्डर दे चुके हैं और वेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर के लिए। हमने बर्गर मंगाया है एंड फ्रेंच फ्राइज विद सम कोक। बाय। नहीं नहीं, रहने दो, लेके जा रहे हैं। तो अभी हम लोग ने दानिश को एक कार की राइड दे रहे हैं, स्मॉल कार राइड। He was very excited for that. ये जाएगा भी? ओके, कीप स्ट्रेट, कीप स्ट्रेट। क्या मजा आ रहा है, तो मस्त मसाज मिल रही है। गाइस यू कैन सी मेरा पीठ, ओह गॉड, क्या मस्त लग रहा है। गाइस क्या रिलैक्सेशन है फ्रेंड्स। ज़रूर आप कभी भी मॉल जा रहे हो, और अगर आप हैदराबाद में हो और इफ यू आर विजिटिंग इन ऑर्बिट मॉल, गाइस जस्ट डू गिव इट अ ट्राई। जिसको बहुत ज़्यादा बैक पेन होता है एंड फुट मसाज, बहुत आराम है यार। जस्ट यू कैन सी गाइस क्या आराम मिल रहा है। ओके गाइस, मैं पहले एंजॉय कर लेती हूँ, फिर बाद में मिलती हूँ आपको मसाज के बाद। तो चेंज है
फाइनली इतना अच्छा मसाज गाइस, इतना अच्छा मसाज मशीन ही कर सकती है। बहुत ही एकदम पूरा बॉडी की जो थकान है, आई मीन टू से कि सालों साल की जो थकान है बॉडी की, ये वाला जो मसाज है वो तो बनता ही है। पैसा वसूल था गाइस, 20 मिनट्स का मसाज था एंड वाज वेरी 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 नाइस एंड वेरी कंफर्टेबल। सो फाइनली गाइस, वी आर आउट फ्रॉम द इन ऑर्बिट मॉल एंड इट वाज अ वेरी 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 प्लेजेंट डे। बहुत एंजॉय किया हम लोग ने नहीं, मैंने सबसे ज़्यादा एंजॉयमेंट किया और साथ ही दानिश ने भी एंजॉयमेंट किया है बहुत। तो चले अब हम निकले इन ऑर्बिट मॉल से। गाइस मैं कितना एक्साइटमेंट से मैं दिखाने वाली थी आप सबको कुछ एक अच्छा सा नज़ारा, बट हस्बैंड मुझे डोंट वरी बोल रहे, मतलब कि शायद है, उम्मीद है मुझे कि वो दिख सकेगा। इतना प्रीटी लग रहा था वो ब्रिज, मैं क्या बताऊँ उस पर इतनी अच्छी लाइटिंग्स हुई है जस्ट इन ऑर्बिट मॉल के सामने। ओके करेक्ट, तो अब हम यू टर्न अगर ले लेंगे तो वो ब्रिज आ जाएगा, जिसे बहुत ही अच्छी लाइटिंग लगी हुई है, वो मैं मुझे दिखाना था आप सबको। जो हैदराबाद में है तो वो तो ऑब्वियसली बात है वो देखे होंगे, पर जो हैदराबाद के नहीं है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने नहीं देखा, तो उन सब के लिए ये मैं दिखा दूंगी आज। तो ये लोकेशन और जस्ट गाइस हैव अ लुक, मैं दिखाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ तो आप देख लो। क्या लोकेशन है, क्या ब्रिज केबल बनाया सही में यार, जो बंदे ने सोच समझ के बनाया है। चांद कहाँ गया? ओके चांद सामने ही मैं बोल रही हूँ, चांद कहाँ से आ गया? फ्रेंड्स वो देखिए वो मॉल है, हम लोग वहाँ से निकले और ये ब्रिज पे हम लोग हैं अभी। ये इन ऑर्बिट मॉल, बाय बाय, वी विल कम अगेन।